आज सुबह से मेरी पीठ पे बहुत तेज खुजली आ रही थी, तो मैंने अपनी पीठ पेड़ से खुजाई और पेड़ गिर गया। देखिए आप लोग कोई ठोस सबूत लेकर आओ तो मैं इनको छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। अगर पेड़ की जड़ कमजोर हो गई होती तो पेड़ सूखा होता, लेकिन वो पेड़ तो एकदम हरा भरा था। कुछ तो गड़बड़, मेरे को गड़बड़ लगता है। अरे गड़बड़ तो है ना अय्यर भाई, हम लोग कितनी देर वहाँ पे थे, लेकिन ना फायर ब्रिगेड आया, ना आरटीओ वाले आए, ना पुलिस आई। सॉरी, हमें ऐसा कोई फोन नहीं आया। आप सच बोल रहे हैं? वो मिस्टर, क्या मतलब है आपका? फायर ब्रिगेड कभी झूठ नहीं बोलता, सबकी मदद के लिए फायर ब्रिगेड हमेशा तैयार होता है। अरे ये देखो, ये तो पेड़ से धुआं निकल रहा है। ये मच्छर या कीड़े मरने की दवाई डाली होगी। ये कीड़े या मच्छर मारने का दवाई नहीं लगता है। तो क्या है? मैं इस मिट्टी का सैंपल लेता हूँ और अपनी लैब में जाकर चेक करता हूँ। यारों, अगर ये बात है तो हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? और चलो हरियाली होटल। अरे सोटी, हरियाली होटल जाके क्या खाना खाना है? हरियाली होटल नहीं, चलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, अरे यहाँ पर बहुत मच्छर है। वो मच्छर भगाने वाली एक अगरबत्ती तो लगवा दीजिए, और गर्मी भी बहुत है, एक कम से कम एक पंखा तो होना चाहिए ना। पंखा क्यों, एसी लगवा देता हूँ ना, और अच्छे गद्दे भी डलवा देता हूँ। टीवी और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो भी मंगवा देता हूँ ना। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग फिर आ गए? हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया इंस्पेक्टर साहब कि पेड़ किस वजह से गिरा है। और ना तो वो पेड़ हमारे मित्र पोपटलाल ने काटा है, और ना हाथी भाई की वजह से गिरा है, और जिसने वो पेड़ काटा है उसके खिलाफ हम पुख्ता सबूत साथ लेके आए हैं। वाह दोस्तों वाह। अच्छा क्या वजह है पेड़ गिराने की? केमिकल है। इंस्पेक्टर साहब, जिस मिट्टी में हरियाली होटल के सामने पेड़ लगा था, ये मिट्टी उस पेड़ की। जिस मिट्टी को मैंने अपने लेबोरेटरी में चेक किया तो पता चला कि इस मिट्टी में केमिकल है, और यह उसका रिपोर्ट। देखिए सर, देखिए इंस्पेक्टर साहब, केमिकल डालने से पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है, इसलिए मामूली धक्का लगने से भी पेड़ गिर सकता है। हमारे अय्यर साहब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन है। अय्यर भाई कार्ड दिखाइए अपना। मुझे नहीं, इंस्पेक्टर सबको दिखाइए भाई। बड़े बड़े सर। ओके। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुने तो ना। अरे मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसा काम थोड़ी करूंगा। जी जी, हाँ, जी। हवलदार, इन्हें बाहर निकाल। जी सर। चलो तूफान एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दो। अबे आने दो भाई। आ जाओ आ जाओ भाई, पोपटलाल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बाहर आने की बधाई। कांग्रेचुलेशंस भाई। एक मिनट, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि पेड़ में डाला किसने? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। सही बात है। एक मिनट अय्यर भाई, शायद मुझे पता है किसने डाला है। कौन है? किसने? अरे जब मैं हरियाली होटल में उस लड़की से मिलने गया तब। पार्किंग का है ना सर, रोड पे। नहीं नहीं, आपके होटल का पार्किंग का। सर पार्किंग की जगह है, पर प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ उगे हुए तो उनको हटाए बिना पार्किंग की जगह नहीं बनी। बट आप चिंता मत कीजिए, थोड़े ही दिनों में पार्किंग की जगह बन जाएगी। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उस होटल के मैनेजर ने ही पार्किंग के लिए पेड़ को गिरवाया। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस हरियाली होटल के मैनेजर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, कीजिए। मिस्टर अय्यर, आप मेरे साथ चलिए। जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ?
बोलिए क्या खाएंगे? खाएंगे नहीं, खिलाएंगे। जेल की हवा। जेल की हवा? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। हमें पता है कि आज जो यहाँ पेड़ गिरा है उसमें तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे होटल में पार्किंग की प्रॉब्लम थी, पेड़ हटने से तुम्हें पार्किंग की जगह मिल सकती थी, इसलिए तुमने जानबूझ के ये पेड़ गिराया है। और इतना ही नहीं, पेड़ गिरने के बाद ना तो तुमने पुलिस को खबर दी ना फायर ब्रिगेड को, ताकि किसी को पता ना चल सके। अब बोलो, अब भी तुम इनकार करोगे कि तुमने कुछ नहीं किया है? बड़ा देखिए इंस्पेक्टर साहब, फायर ब्रिगेड को फोन ना करना ये कोई गुनाह नहीं है। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ, अब बिना सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर ये देखिए, पास के कचरे के डिब्बे से बॉटलें मिली है। ये आप लोग इस्तेमाल करते हो? हाँ, हमारी होटल की साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये केमिकल को सामने वाले पेड़ की मिट्टी से भी मिला है, उसका क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप, मैं कुछ समझा नहीं। जस्ट चिल, मैं समझाता हूँ। क्या है, अगर सीधी तरीके से आप अगर पेड़ काटते तो आप फंस सकते थे, इसीलिए आपने पेड़ की जड़ों में केमिकल डालना शुरू किया ताकि पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाए और पेड़ अपने आप गिर पड़े। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, और वो पेड़ डॉक्टर हाथी के ऊपर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलत कह रहे हैं। देखिए, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया सर। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। जस्टिन सर, मुझे माफ कर दो सर। एक्चुअली मैंने हरियाली होटल चलाने के लिए ली थी, और सर अगर होटल नहीं चलती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, और जिस होटल के बाहर पार्किंग नहीं होती ना, उस होटल में कोई आता नहीं है सर, इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी सर। तो क्या पेड़ की जान लोगे? पेड़ भी इंसान की तरह ही होता है, उसमें भी जान होती है। आई तक है? अरे पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, फल देता है। पेड़ को काटना महापाप है, पर पेड़ तो मरने के बाद भी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने भिड़े, इसीलिए एक शायर ने कहा है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। सही बात है, कई पेड़ दवाई बनाने के भी काम आते हैं। तो हाँ, और जैसा जो हाथी पर आप पेड़ के नीचे आ गए थे ना, ऐसे पेड़ काट जाने के बाद पूरी की पूरी दुनिया के बोझ के नीचे दब जाएगी, समझे? पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाथी भाई वही तो ये चाहता है कि हम सब भूखे मरे और इसके होटल में खाना खाने जाए। हट बुड़बक। पेड़ खत्म हो रहे हैं इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही है। बिल्कुल ठीक कहा निर्मला जी आप। अरे ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल वार्निंग है। ईश्वर वार्निंग दे रहा है हमें कि भाई पेड़ मत काटो, क्योंकि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। और तुम किस होटल के मैनेजर हो? होटल हरियाली, और हरियाली होटल का मैनेजर पेड़ काटता है? कितना विरोधाभास। पेड़ काटना बहुत बड़ा गुनाह है, इसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। सही बात है, इसका ख्याल हम रखेंगे। पोपटलाल जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी शादी तय होते होते रह गई। नहीं कोई बात नहीं, अब होनी को कौन टाल सकता है। निर्मला जी, बाय द वे मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे चल, अरे जल्दी करो, चलो चलो। चलो भाई, आ गए आ गए आ गए।
भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारी गोकुलधाम संस्कृति की एकता फिर जीत गई। अरे पर वहाँ हुआ क्या? आप लोगों ने कैसे साबित किया कि पोपटलाल भाई बेगुनाह है? मैं बताता हूँ कोमल भाभी, दरअसल हुआ यूं, चिंता मत कीजिए, अभी पुलिस शायद वही कर रही होगी। वैसे भले वो मैनेजर पकड़ा गया जेठा भाई, लेकिन एक बात का मुझे बेहद दुख है। What, Hans? किस बात का बाबा? वो पेड़ जो आपके ऊपर गिरा वो फल वाला नहीं था इसलिए? बेबी तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि मम्मी पापा पे अगर फल वाला पेड़ गिरता तो पापा पेड़ के नीचे बड़े बड़े फल खा सकते थे ना। हाँ आती भाई, बात तो ठीक है भाई, अगर फल वाला पेड़ आप पे गिरता तो आप पे पेड़ का गिरना सफल हो जाता। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मेरा दुख कुछ और है। मुझे पता चल गया आती भाई कि आपका दुख क्या है। क्या? यही कि पेड़ आपके ऊपर नहीं गिरा, पेड़ के वजह से आप गिर गए। अरे भाई मेरा दुख है, मुझे बोलने दो। माना कि पेड़ मेरी वजह से नहीं गिरा, लेकिन एक पेड़ गिरा तो है, पर्यावरण का नुकसान तो हुआ है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आदि आपने, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम सब गोकुलधाम वैसे मिलकर पेड़ लगाने का कार्यक्रम करें। सही बात है। वाह वाह, भाभी ने बहुत अच्छा सोचा जेठालाल। बीवी किसकी है? हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और दुनिया को जीने लायक बनाएंगे। सही बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं जिसको सुनकर आपका मन बाग बाग हो जाएगा, आपके मन में भी हरियाली छा जाएगी, क्योंकि आज गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासी एक साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाने के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा पौधा है? आंकड़ा है ये। आंकड़ा? आंकड़ा कहते हैं। कौन सा पौधा? ठीक उसी हरियाली होटल के सामने ये लोग वृक्षारोपण करेंगे जहां पर वो पेड़ गिरा था। आपको ये पूरी प्रक्रिया मैं दिखाऊंगी लाइव, तो बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक पर। आइए आगे देखते हैं। बच्चों, सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, इसका ठीक से जतन भी करना होगा, जैसे पानी डालना, खाद डालना है, हर चीज का ध्यान रखना होगा। जी दादाजी, समझ गए। आज पौधा लगाएंगे तो कल वो पेड़ हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें दुख भरी धूप नहीं मिलेगी। एकदम सही कहा दया भाभी, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे इंसानों को उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और पंछियों को रहने के लिए घर। So true, huh? Save trees and save life. करे, हमारी पृथ्वी का हम सब पर कर्ज है, इसीलिए पेड़ लगाना हमारा फर्ज है। इससे ग्लोबल वार्मिंग में खत्म हो जाएगा। मेरे परम मित्र के कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग? हाँ, वही 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 वही। आइए लगाइए। एक मिनट, पहले ये रखना पड़ेगा। यही है
हीरो की खासियत कि हमेशा हंसते हंसाते हमें कोई ना कोई प्रेरणा दे ही जाते हैं। अब हमारी आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग भी जितने हो सके उतने पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। दया, आज तो नींद भी एकदम मजेदार चटाकेदार आने वाली है। क्यों मुझे पापा, नींद कोई खाने की चीज थोड़ी है कि चटाकेदार मजेदार होगी। अरे दया, दिन भर शरीर काम करके थक जाए, ऊपर से उसे अपनी पत्नी के हाथ का मस्त मसालेदार खाना खाने को मिले तो नींद तो चटाकेदार ही आएगी ना। आप भी चप्पू के पापा कभी कभी उम्दा वादियों की तरह एकदम मसालेदार बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे में वो कहावत है ना, अन्न वो ओडकार, अर्थात जैसा अन्न वैसी डकार। अरे जब एक अहमदाबादी पत्नी रोज अपने पति को अहमदाबादी खाना खिलाएगी तो पति तो ऑटोमेटिक अहमदाबादी बोलने लगेगा ना। हाँ। चल अभी सो जा मेरी रानी। मेरे राजा। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रही है? छोड़। ये है अहमदाबादी प्यार। अरे भाई, ये तेरा अहमदाबादी प्यार मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों क्यों, कैसे भला? अरे ये गाल खींच खींच के मेरा मुंह इतना सूजा दिया है कि बॉडी के साथ मुंह मैच ही नहीं करता है। इसलिए बॉडी को मुंह के साथ मैच करने के लिए मुझे जलेबी फाफड़ा खा खा के वजन बढ़ाना पड़ा। बेडरूम में है, पलंग में बैठी है, नींद में गरबा कर रही थी। सॉरी टप्पू के पापा, दरअसल मैं नींद में सपना देख रही थी कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में जैसे ही माताजी की आरती पूरी हुई कि हम दोनों उछल उछल कर गरबा कर रहे थे। दया, नवरात्रि को अभी 2 दिन बाकी है, अभी शांति से सो जा भाई, फिर नवरात्रि के 9 दिन रोज रात को नॉन स्टॉप गरबा करना। हाँ, कोई तुझे नहीं रोकेगा, अभी सो और सोने दो, सो जाइए। टप्पू के पापा बात सुनिए, जैसे ही नवरात्रि के दिन नजदीक आ रहे हैं मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, मेरे पैर थिरकने लगते हैं और मेरे मुंह से अचानक ही ए हेलो निकलता रहता है। कंट्रोल कंट्रोल कर तू, वरना तेरी ये हालो की त्राड़ से पूरी सोसाइटी जाग जाएगी। चल अभी माताजी का नाम ले और सो जा चुपचाप। माताजी? मैं माताजी का नाम क्यों लूं? अरे माताजी नहीं, माताजी, माताजी का नाम ले और सो जा। सॉरी सॉरी, जय माताजी। जय माताजी। प्रेम से बोलो जय माताजी, सारे बोलो जय माताजी, जय माताजी, जय माताजी। क्या कर रही है? जय माता जी। जय माता जी भाई, जय माता जी। झूठ के समंदर में सच को जितना भी डुबोने की कोशिश करो, आखिरकार सच उभर के आ ही जाता है। और यही हुआ इस पेड़ की कहानी में, आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ जो हमें जीवन देते हैं, यकीन मानिए उन पेड़ों पे कुल्हाड़ी चला के हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भाई ये सृष्टि, ये पर्यावरण हमें ईश्वर ने और हमारे पूर्वजों ने दिया है,
और इसकी रक्षा करना, आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। आइए पेड़ लगाएं हम मिलके ताकि इस पर्यावरण की रक्षा कर सके। और एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, इस कहानी में हाथी भाई पर जो पेड़ गिरा था वो असली पेड़ नहीं था। यकीन मानिए हम पर्यावरण की रक्षा करना जानते हैं। हमारे आर्ट डायरेक्टर ने ऐसा कमाल का पेड़ बनाया कि वो बिल्कुल सच की तरह लगा। चलिए ये पेड़ की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी नवरात्रि का धमाल और मौज मस्ती बाकी है गोकुल धाम में। हमारी दया भाभी जो पूरे एक साल से नवरात्रि का इंतजार कर रही है, वो इतना जबरदस्त धमाल करने वाली है कि आप हंस हंस के डांडिया खेलने लगेंगे और हम और आप मिलके साथ में हंसते हुए डांडिया तो खेलेंगे और कहेंगे कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।